नमस्कार दोस्तों, मैं रामेश्वर माली आज फिर एक नए वीडियो के साथ। और आज का ये वीडियो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2017 से संबंधित है। इसमें राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत 5,500 कांस्टेबलों की भर्ती को अब निरस्त कर दी गई है। अब पुनः आवेदन की विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी। एक दो दिन में जल्दी ही इसका विज्ञापन जारी होगा। ये 21/5/2018 का आदेश है, कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर। इसमें आप देख सकते हैं ये कल का आदेश 21/5/2018 का, कि जो पहले 5,500 पदों पर आयोजित भर्ती है वो अब निरस्त की जाती हैं। अब वापस इसका नया विज्ञापन जारी होगा। एक दो दिन में जल्दी ही इनके आवेदन शुरू हो जाएंगे। ये आज की एक पेपर कटिंग है जिसमें ये न्यूज़ है कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए पहले फॉर्म भर चुके अभ्यर्थी, यानी कि 16 लाख अभ्यर्थियों को फिर से आवेदन करना होगा। पुलिस मुख्यालय में पूर्व में जारी की गई कांस्टेबल भर्ती को निरस्त कर दिया गया है और एक दो दिन में नया विज्ञापन जारी होगा। पूरी खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और पास के बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो, संपूर्ण भर्ती से संबंधित जानकारी आदि इस चैनल पर अपलोड होती रहती हैं, करता रहते हैं। इसलिए आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं, पूरी न्यूज़ है ये। कांस्टेबल भर्ती में पूर्व में आवेदन कर चुके 16 लाख आवेदकों को नई भर्ती में फिर से आवेदन करना होगा। नए आवेदन करते समय संबंधित कॉलम में रजिस्ट्रेशन भरने पर अभ्यर्थियों से परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा, लेकिन जिन लोगों का आवेदन निरस्त हो चुका है उन्हें फिर से फीस देनी पड़ेगी। गौरतलब है कि पुलिस मुख्यालय ने पूर्व में जारी की गई 5,500 पदों की भर्ती को शुक्रवार को निरस्त कर दिया। इन 5,500 पद हाल में ही स्वीकृत हुए 8,412 पदों को मिलाकर कुल 13,912 पदों के लिए नई भर्ती निकाली जाएगी। इस भर्ती का विज्ञापन पुलिस मुख्यालय एक दो दिन में जारी कर देगा। माना जा रहा है कि जुलाई के दूसरे सप्ताह में ऑफलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी। आवेदन ज़्यादा आने पर मुख्यालय 2 चरणों में भी परीक्षा आयोजन करवाने का विचार कर रहे हैं। कार्मिक विभाग ने 17 मई को कांस्टेबल भर्ती के नियमों में संशोधन की अधिसूचना जारी कर पुलिस मुख्यालय को भेजा था। डीजीपी सर का कहना है कि जिन्होंने पूर्व में आवेदन किया उन्हें फिर से भरना होगा फॉर्म। डीजीपी ओपी गल्होत्रा साहब का कहना है कि पूर्व में निकाली गई कांस्टेबल भर्ती को निरस्त कर दिया गया है, ऐसे में जिन अभ्यर्थियों ने पहले आवेदन किया था उनको नई भर्ती में दोबारा आवेदन करना होगा। पूर्व में आवेदन के रजिस्टर नंबर बताने पर शुल्क नहीं देना पड़ेगा। परीक्षा जुलाई के दूसरे सप्ताह में होना प्रस्तावित है। तो धन्यवाद दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती से संबंधित था। अब वापस नए सिरे से सभी के फॉर्म भरे जाएंगे और विज्ञापन जल्दी ही एक दो दिन में जारी हो जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर आपको अब प्रतिदिन राजस्थान पुलिस कांस्टेबल से संबंधित प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवाया जाएगा। तो जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल से संबंधित सभी न्यूज़ आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। तो ये थी आज की न्यूज़ दोस्तों, कि इसमें पहले से आवेदन कर चुके 16 लाख अभ्यर्थियों को फिर से आवेदन करना होगा और जिनका आवेदन निरस्त हो गया है उनको फिर से फीस देनी पड़ेगी। लेकिन 16 लाख अभ्यर्थियों को जो पहले रजिस्ट्रेशन नंबर दिए उनके हिसाब से वापस फॉर्म भरेंगे तो उसमें फ़ीस नहीं लगेगी। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।